हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय पर आज चर्चा करना शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है भक्ति की महानता, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कल तक हमने देखा कि इस प्रकार विदुर और देवाहुति और कर्दम का जो पूरा उपाख्यान है, जहाँ पे कपिल मुनि के जन्म और कर्दम मुनि किस प्रकार कपिल मुनि अपने बेटे से, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कर्दम मुनि संन्यास के मार्ग पर अपने घर से बाहर निकल गए और किस तरह से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। सो लास्ट वी हैड सीन He gradually became unaffected. So last ke jo pure shloka hai, that Kardama accepted silence as a vow in order to think of the Supreme Personality of Godhead and take shelter of him exclusively without association. He traveled all over the surface of the globe as a sannyasi, devoid of any relationship with fire or shelter. He fixed his mind upon the Supreme Personality of Godhead, Parabrahma, who is beyond cause and effect, who manifests the three modes of material nature, who is beyond those three modes of material nature, and who is perceived only through unfailing devotional service. Thus he gradually became unaffected by the false ego of material identity and became free from material affection. Undisturbed, equal to everyone, and without duality, he could indeed see himself also. His mind was turned inward and he was perfectly calm like an ocean unagitated by waves. Thus he became liberated from conditioned life and became self-situated in transcendental devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. He began to see that the Supreme Personality of Godhead is seated in everyone's heart, and that everyone is existing on him because he is the super soul of everyone. Freed from all hatred and desire, Kardamuni, being equal to everyone because of discharging uncontaminated devotional service, ultimately attained the path back to Godhead. So Kardamuni ne kis prakar se apne jeevan mein bhagavat prapti ki? So we see by the dint of devotional service, bhakti mai chetana se इहलोक में भी उन्हें एक अच्छी पत्नी प्राप्त हुई, भगवान स्वयं उनके बेटे के रूप में आए और उन्होंने भगवान के आशीर्वाद लेकर के भगवत धाम को भी प्राप्त किया। तो यहां से हमारे आज के कथानक की शुरुआत होती है, जहां पर हम 25वें अध्याय पर चर्चा करना आरंभ करेंगे, श्लोक क्रमांक 1 से। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जाता सहगण रघुनाथान्वितं दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपां सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 1 अध्याय 25। शौनक उवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवानात्म मायया जातः स्वयं जह साक्षात आत्म प्रज्ञप्त इंद्रणाम। श्री शौनक सेड, although he is unborn, the supreme personality of Godhead took birth as Kapilamuni by his internal potency. He descended to disseminate transcendental knowledge for the benefit of the whole human race. हालांकि भगवान अजन्मा है, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि, हालांकि मेरा कभी जन्म नहीं होता, अव्यय आत्मा, मेरी चेतना में मेरे किसी भी लक्षण में कभी भी कोई भी कमी नहीं आती, अव्यय आत्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन, सारे जीवात्माओं का मैं एक छत्र स्वामी हूं। आई एम द मास्टर ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, यस, नॉट ओनली इन दिस, ऑन दिस अर्थ, इन दिस सोलर सिस्टम, इन दिस यूनिवर्स, इन मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, आउटसाइड इन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑल्सो। भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मेरी प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में मैं स्थित हूं और इस प्रकृति का फैलाव और वापस उसका समेटना, संभवामी आत्म माया, अपने स्वयं की माया से मैं यह सब करता रहता हूं। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत में सभी जीवों के लिए जितने भी भौतिक जरूरतें हैं वो काफी अच्छे से प्रदान कर रखी हैं, यस। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के स्तर पर नहीं है वो ये समझ नहीं पाता, रजोगुण के स्तर पर इतनी ज्यादा भौतिक इच्छाएं हैं, इतनी ज्यादा स्वामित्व की इच्छा है कि वो समझता है कि वो जो कर रहा है उसी के कारण उसे क्या मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और रजोगुणी पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ही थिंक्स यस व्हाटएवर आई डू, इफ आई डू गुड आई विल गेट गुड, इफ आई डू बैड आई विल गेट बैड, यस, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम इन विच इट हैपेंस। I keep doing good, but that doesn't mean it is exactly, हम उसी चीज, एक ही एग्जाम्पल से हम काफी चीज, सारी चीजें समझ सकते हैं। मुझे PhD करनी है तो मैं 5th पास कर रहा हूँ, 10th पास कर रहा हूँ, 12th पास कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं PhD मिल गई मुझे। So I am doing good, yes, I am doing good। मैंने प्राइमरी पास की, सेकेंडरी पास की, हायर सेकेंडरी पास की, I am doing good only। बट फिर भी मुझे अब तक जो एंड रिजल्ट है PhD वो नहीं मिला। आई एम बीइंग सेपरेटेड बाय टाइम एंड एफर्ट्स। समय भी मुझे PhD से जुदा किए हुए है और मेरे और ज्यादा अथक परिश्रम वो भी मुझे उस PhD से जुदा किए हुए हैं। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेपरेटिंग मी। तो दिस इज ऑन द लेवल ऑफ पैशन, ये है इच्छा के स्तर पर। जब बहुत ज्यादा रजस का प्रभाव होता है, तमस के प्रभाव में जीवन कृपया पशुतुल्य है, वो समझ ही नहीं सकता कि इस शरीर से बाहर कुछ है, उसकी सुदबुद्धि नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भेड़े या चिकन सब एक जगह हैं, वो देख रहे हैं हर रोज एक एक भेड़ कम हो रही है, चिकन भी रोज देख रहे हैं कि अरे चिकन एक सब सब गायब होते जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि मेरा नंबर आएगा। सो
at the level of ignorance, one doesn't have any consciousness at all practically. तो तमोगुण के प्रभाव में जीवन प्रायः पशुतुल्य है. इट इज एग्जैक्टली लाइक एनिमलिस्टिक लाइफ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग. व्हाई? नो आंसर, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग, आई एम आल्सो डूइंग. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एसेंस जीवन का है सिंपली टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट मैटर, आई एम ब्रह्मन. जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो ये जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. ये जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है. इस स्तर तक हम जब तक नहीं पहुंचते, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूं. अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं भगवान का एक अंश हूं. मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातन है. तो जब तक इस परिस्थिति पर नहीं पहुंचेंगे, एक्चुअली हमने मनुष्य जीवन का उपयोग उसके सही कार्य के लिए नहीं किया. जैसे मेरे पास एक BMW है और वो हाईवे पर भी है, लेकिन मैं उसे 40 की स्पीड पर चला रहा हूं. तो BMW हो के भी, हाईवे होकर के भी 40 की स्पीड पर चला रहा हूं, तो BMW होने का फायदा क्या? वैसे ही ये मनुष्य जन्म मिला, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि में मिला, जीवन के बहुत ही छोटेपन से कल्चर मिला. ये सब मिलने के बाद भी अगर मैं भक्तिमय कार्यों में अपने जीवन को संलग्न नहीं करता, तो फिर ये शरीर और भारत भूमि का सेटिंग होने का लाभ क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य जीवन में भी है, आहार निद्रा भय मैथुन पशु जीवन में भी है, लेकिन पशु जीवन में वो अनरिस्ट्रिक्टेड है. मनुष्य जीवन में उसे सत्व गुण में लाने के लिए उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. ऐसे क्या किया जाता है? रिस्ट्रिक्ट. कैसे? आहार को रिस्ट्रिक्ट करो. कैसे? हमेशा सत्वगुणी आहार खाओ. अगर मांस खाना भी है तो केवल अमावस्या के दिन खुद बलि दे करके काली को. यस, जब हम उस यज्ञ पशु को काट रहे हैं तो समय उसके कान में एक मंत्र बोला जाना चाहिए. यस, सो इस जिसका अर्थ है कि अरे इस जीवन में मैं तुम्हें काट रहा हूं, अगले जीवन में मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि जिस प्रकार मैं आपको काट रहा हूं, अगले जीवन में आप भी मुझे काटोगे. सो बेसिकली मांस सह मैं उसके जैसा बनूंगा. माम मैं, सह उसके जैसा बनूंगा. अगले जीवन में मैं उसके जैसा बनूंगा, वो मेरे जैसा बनेगा. जैसा मैं अब उसे काट रहा हूं, मैं उसे अथॉरिटी देता हूं, अगले जीवन में तुम भी मुझे काटो. तो हालांकि पहले पहले वो दूसरे जीव को खाने का अभ्यस्त है, लेकिन जब वो खुद ही ये करेगा तो धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर ही इज क्रिएटिंग फॉर हिमसेल्फ. तो जो मांसाहार है, मांस, ये मांस शब्द कहां से आया? मांस. सो वन वन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग टू हिम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. Yes. So, ahar is restricted. Nidra becomes restricted. Yes. Ratri ke samay so. Yes, nidra is restricted. Bhaya is restricted. Yes. Jab hum brahmachari hote hain, ya vanaprastha hote hain, ya sanyasi hote hain, bhay ka koi prashna hi nahi hai, kuch hai hi nahi, to kya leke jayega koi? Yes, bhikari ke upar kya daga dala jayega? तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास जीवन में कुछ है ही नहीं. सो बेसिकली 3/4 ऑफ लाइफ वन पर्सन इज केयर फ्री. यस, सो उसी प्रकार से भय पर रिस्ट्रिक्शन आ गया, मैथुन पर रिस्ट्रिक्शन आ गया, केवल अपनी पत्नी के साथ. यस, सो केवल जहां पर पशु जीवन में कई बार बच्चे और माँ के संबंध से भी बच्चे आते हैं, ये सब उनके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहां पे हाँ, ये स्त्री तुम्हारी पत्नी है. सो रिस्ट्रिक्शन
आहार निद्रा भय मैथुन एवरीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्योंकि जाना जाए कि अरे ये केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही जीवन निकालना नहीं है, उसके आगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा है. अगर आहार निद्रा भय मैथुन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो तत्व जिज्ञासा के लिए समय कहां रह गया? यस, समय हम सबके पास सेम है. जितना चाबी भरी नाम राम ने उतना चले खिलौना. और कितनी चाबी रखी है हमें पता नहीं है. हमारे पास बर्थ डे है लेकिन डेथ डे नहीं है. वी सेलिब्रेट बर्थ डेज बट डेथ डे नो. जब तक होगा नहीं तब तक कुछ नहीं. ये जैसे अभी व्हाट्सएप पर हमारे एक जोक चल रहा है. यस, एक भक्त दूसरे व्यक्ति को बोलता है अरे भाई भगवद गीता पढ़ ले, मैराथन का मंत्र है. तो दूसरा व्यक्ति बोलता है उसका फ्रेंड अपना टाइम आएगा. तो 20 साल की उम्र में बोलता है अपना टाइम आएगा. 30 साल की उम्र में 10 साल के बाद फिर से भक्त पूछता है अरे भाई अभी तो भगवद गीता पढ़ ले, हम 30 साल के अपना टाइम आएगा. वो 55 का हो जाता है अरे भाई अब तो रिटायरमेंट के समय पर आ गया लगभग, अब तो भगवद गीता पढ़ ले अपना टाइम आएगा. 70 साल की उम्र में वो व्यक्ति मर जाता है तो लोग बोलते हैं चलो भाई इसका टाइम आ गया अभी गंगा जल लाओ. टाइम आ गया. यस, सो हम रुके रहते हैं अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा. अल्टीमेटली भगवान टाइम लाते ही है. टाइम आ गया. सो वी हैव अ बर्थ डे, वी डू नॉट हैव अ डेथ डे. वी नेवर नो व्हेन वी आर गोइंग टू डाई. यस, एंड इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग. समझ लीजिए मुझे पता है 2022 में मई 31 को मैं मरने वाला हूं. बाप रे क्या टेंशन आएगा मुझे. जैसे जैसे 2022 आ जाएगा मैं सोचने लगूंगा यार 5 महीने जिंदा रहूंगा मैं. मई 1 आ जाएगा यार 20 दिन में मैं मरने वाला हूं, मतलब मरने से पहले मैं मर जाऊंगा. यस, पिछले जन्म कई बार लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी भगवान ने हमें पिछले जन्मों की तो याद दी नहीं, हमको पता ही नहीं है मैं आज इस जीवन में क्यों दुख भोग रहा हूं. लेकिन भगवान का ये क्लीन स्लेट करना कितना अच्छा है. सोच लीजिए पिछले जन्म में हमें गला घोटकर मारा गया था, वो याद आए तो रात में कभी चैन से नींद आएगी क्या फिर से? कभी हम भी मेंढक थे तो मेंढक हो रहे थे तो कोई तो गाड़ी का टायर हमारे ऊपर से गया था और हम पिचक गए थे, वो याद आएगा तो कैसे खाना जाएगा? कभी कभी हम कॉकरोच थे, कोई तो गृहिणी महिला ने हमारे ऊपर बेकॉन स्प्रे करके भी हमको मारा था, हमको सांस लेना मुश्किल हो गया था, कोविड सिचुएशन हो गई थी, तो ये वो याद आए है? तो कैसे हो जाए? कभी हम चूहे थे, बिल्ली ने पीछे पकड़ पकड़ के मारा था हमको, वो याद आए तो कैसे भोजन जाए? हम बकरी भी थे, हमको एक खाटिक लेके गया और लेके ट्रक 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 हमारी गर्दन पकड़ के, चार दो लोगों ने हमारे दो टांगे पकड़ी थी, एक व्यक्ति ने हमारी गर्दन पकड़ी थी और धीरे से यहां से आधा काट करके छोड़ दिया था. ये सब याद आएगा तो क्या हम जी पाएंगे? सो इट इज सच अ ब्लेसिंग दैट वी डोंट नो, बिकॉज इफ वी नो इट इज सच अ बिग ट्रॉमा. जिंदगी सोचिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी से पूरा खुश है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? यस, समर्थ रामदास मनाचे श्लोक करके एक सुंदर ग्रंथ लिखते हैं, उसमें कहते हैं जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तू चिशोधू नि पाहे. जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, हु इज देयर. यस, हम जब छोटे थे तो एक सुजुकी सामुराई करके एक बाइक आती थी टू स्ट्रोक, तो उसके एड में एक कोरियन आदमी आता था, लिफ्ट लिफ्ट सुजुकी सामुराई, नो प्रॉब्लम बाइक, आपको अगर याद होगा तो. यस, मैं जब सेकेंड या थर्ड में था तब की बात है, सुजुकी सामुराई नो प्रॉब्लम बाइक. ओ देयर इज अ डिच नो प्रॉब्लम, ओ यू हैव टू मेक अ कट नो प्रॉब्लम, ओ वेरी लिटिल फ्यूल नो प्रॉब्लम, हर जगह पे नो प्रॉब्लम सुजुकी सामुराई नो प्रॉब्लम बाइक. तो बाइक नो प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एक्चुअली केवल इश्तहार के लिए, एक्चुअल उसके अंदर प्रॉब्लम होता ही है. यस, क्या हम नो प्रॉब्लम मैन या नो प्रॉब्लम वुमन है? नहीं, ऐसा नहीं है, जीवन तो प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है कि नहीं? जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुची
शोध नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी होता है जीवन में अपने ऊपर, ठीक है, चलता रहता है, ये सब में क्या करना महत्वपूर्ण है? भगवान की भक्ति, उनकी सेवा, पूरे होश से और जोश से उनके प्रीत्यर्थ कार्य करना, यही एकमात्र भक्ति का लक्षण है। श्लोक क्रमांक 2, नह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। शौनक कंटिन्यूड, देयर इज नो वन हु नोज मोर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ, नो वन इज मोर वर्शिपेबल और मोर मैच्योर ओ योगी देन ही। He is therefore the master of the Vedas, and to hear about him always is the actual pleasure of senses. Yes. तो भगवान से ज्यादा और कोई व्यक्ति नहीं जानता, भगवान से ज्यादा उन्मत्त योगी, yes, योगेश्वर है। भगवान को भगवद्गीता में भी योगेश्वर नाम से पुकारा गया है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर मतिर मम। चार चीजें, जहां पर भगवान और भगवान के भक्त रहेंगे, यस, वहां ये चार चीजें रहेंगे ही रहेंगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, वेर एवर देयर इज कृष्णा एंड स्टॉन्च डिवोटी ऑफ कृष्णा लाइक अर्जुन, यस, श्री, श्री अर्थात वेल्थ, तत्र श्री विजय, हमेशा विक्ट्री रहे, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति भूति opulences, मोरालिटी opulences विल ऑलवेज बी देयर। सो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तुरंत तुरंत सब कुछ मिले पता नहीं। देखिए भगवान की कृपा भी अलग अलग चीजों से मिलती है। हम भगवान के पास आकर भगवान ने हमें उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न किया है, ये सबसे बड़ी कृपा नहीं है क्या उनकी? नहीं तो पैसे तो हर जीवन में आते जाते रहते ही हैं। यस, जिसके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं क्या वो बहुत ज्यादा सुखी है? उसको कोई टेंशन ही नहीं है? नहीं, उसको है टेंशन। जिसके पास कुछ नहीं है उसको टेंशन नहीं है, उसको भी टेंशन है। अर्थात जीवन में टेंशन किसको नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्ति करने का ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन सा विरला जीव है जो गुरु और भगवान की कृपा से क्या कर पाता है? भक्ति की लता का बीज अपने हृदय में वो बो पाता है। सो इसीलिए उनके बारे में श्रवण करना, उनके बारे में कीर्तन करना, यही तो मुख और कर्ण दोनों का द इटर्नल बेनिफिट ऑफ सेंसेस इज टू एंगेज देम इन कृष्णा सर्विस। प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथ कई बार पढ़े जाने चाहिए, कई बार, जितनी बार पढ़ेंगे एक अलग मतलब उससे निकलेगा। It is like churning. तो जितना चर्न करते रहेंगे उतना ज्यादा उसमें से अमृत निकलेगा। yes. श्लोक क्रमांक 3, यद्यद् विद्धत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्म मायया तानि मे श्रद्धधानस्य कीर्तन्याननुकीर्तय। Therefore, please precisely describe all the activities and pastimes of the Supreme Personality of Godhead, who is full of self-desire and who assumes all these activities by his internal potency. तो कृपया ऐसे भगवान की सारी विविध गतिविधियों को और भगवान की लीलाओं को कृपया बताइए। भगवान कैसे हैं? आप्त काम है, आप्त काम याने उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको किसी और की जरूरत नहीं है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो अपने आप कर सकते हैं। और वो ये सब कैसे करते हैं? आत्म माया है।
अपने आंतरिक माया से वो ये सब कार्य जो है वो करते हैं। सो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं अनुकीर्तया मीन्स टू फॉलो द डिस्क्रिप्शन, नॉट टू क्रिएट अ कॉन्कॉक्टेड मेंटल डिस्क्रिप्शन बट टू फॉलो। तो हम जब भगवान का कीर्तन करते हैं, जब भी हम भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के दिए हुए मार्गों पर अपने जीवन को में उनका पालन करते हैं, तो कैसे होना चाहिए? अनुकीर्तय, अनु मीन्स टू फॉलो। सो अनलेस आई हैव समवन हु इज सुपरवाइजिंग मी। भक्ति में देखिए, भक्ति में जब हम बढ़ते हैं तो जैसे खेत में पौधे बढ़ते हैं और पौधों के साथ में खरपतवार भी बढ़ती है, अलोंग विथ नॉर्मल प्लांट्स ग्रो वीड्स ऑल्सो। सो हमेशा किसान क्या करता है, ही मेक्स श्योर दैट टाइम टू टाइम वो जो खरपतवार है, वो वीड्स जो है, उन्हें वो उखाड़ उखाड़ के निकालता रहे, नहीं तो वो जो एक्चुअल फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और पानी चाहिए वो कौन ले लेगा, वो खरपतवार ले लेगी। उसी प्रकार से हम जब भक्ति में सेवा में आगे बढ़ते हैं तो उस भक्ति के साथ में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भी बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, और ये क्यों बढ़ते हैं? भगवान क्योंकि हमारी टेस्ट लेना चाहते हैं। भगवान क्या करना चाहते हैं? हमारा हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो दिखने में तो नॉर्मल जो फसल है वो भी पौधा है और जो खरपतवार है वो भी पौधा है। उसी प्रकार से दिखने में भगवान की भक्तिमय सेवा भी सेवा है और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से किया गया कार्य भी सेवा के इसमें आ सकता है। जैसे हमने भगवान के विग्रहों का ड्रेसिंग किया, ड्रेसिंग के बाद मैं ये सोचता हूं कि मैं ऐसा ड्रेसिंग करूंगा, या ड्रेसिंग के पहले मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं ऐसा ड्रेसिंग करूंगा कि चार लोग पूछने चाहिए, अरे प्रभु जी किसने ड्रेसिंग किया, क्या ड्रेसिंग किया। और होने के बाद भी मैं टेम्पल हॉल में घूमता रहता हूं या बाद में मैं देखता रहता हूं कौन मुझे व्हाट्सएप पे कैसे विश करता है, टेम्पल हॉल में मुझे कौन कौन क्या बोलता है मेरे ड्रेसिंग के बारे में। सो ऑल्दो इट इज सर्विस, यस, बट इट इज टिंज्ड विथ ऑल्सो। तो देखने के लिए वो जो ड्रेसिंग है वो भी फसल ही है, वो भक्ति है, लेकिन उसको उसको करने के पीछे का हेतु क्या है? उसको करने के पीछे का हेतु है अहंकार, तो वो खरपतवार हो गई। यस, सो इन भक्ति इंपॉर्टेंट इज not what we do, in bhakti important is why we do what we do। हम क्या करते हैं भक्ति में ये definitely महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हम क्यों करते हैं। Yes। श्लोक क्रमांक 4, सुत उवाच, सुत गोस्वामी के नाम। So we return to the original conversation। द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्विक्षिक्यां प्रचोदितः। श्री सूत गोस्वामी सेड, द मोस्ट पावरफुल सेज मैत्रेय वाज अ फ्रेंड ऑफ व्यास देव। बीइंग एनकरेज्ड एंड प्लीज्ड बाय विदुरास इंक्वायरी अबाउट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मैत्रेय स्पोक एज फॉलोज। मैत्रेय कहने लगे, तो यहां पे हम देखते हैं मैत्रेय इज एड्रेस्ड एज भगवान, द्वैपायन सखस्त्वेय मैत्रेयो भगवान तथा। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेदव्यास जी के मित्र हैं मैत्रेय मुनि। सो इमेजिन, वेदव्यास जी स्वयं भगवान है, भगवान का लिटररी इनकार्नेशन है, तो ऐसे भगवान के लिटररी इनकार्नेशन के फ्रेंड है मैत्रेय। तो इमेजिन हिज क्वालिफिकेशन। फ्रेंडशिप किसके अंदर होती है? फ्रेंडशिप हमेशा इक्वल्स के अंदर होती है ना।
तो जो हमसे बड़े हैं हम तो उनके सामने नतमस्तक ही हैं, जो हमसे छोटे हैं वो हमेशा हमारे सामने नतमस्तक हैं, होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क है यानी। लेकिन जो इक्वल्स हैं वो तो मित्र हैं। और अगर हमें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो हमारे मित्र हैं, है कि नहीं? हमारे से वरिष्ठों के सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सर झुका करके रहना ही पड़ेगा। हमारे से जो कनिष्ठ है हम उनके ऊपर दादागिरी कर सकते हैं, बॉसिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो इक्वल है वो हमें पूरा लंगोटी तक जानता है, ये बंदा कैसा है। Yes. So, इसीलिए मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन हमारा जो होता है वो सीनियर्स या जूनियर्स के साथ में नहीं, वो इक्वल्स के साथ में होता है, मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन। बिकॉज माइंड इज नॉट रेडी टू टेक प्यूरिफिकेशन फ्रॉम एन इक्वल, माइंड इज वेरी इजिली रेडी टू टेक प्यूरिफिकेशन फ्रॉम अ सीनियर। सीनियर दो चार गाली मारेंगे, थोड़ा गुस्सा भी हो जाएंगे, चलेगा, लेकिन इक्वल के साथ ये जब होते हैं दैट्स रियली अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। सो मैत्रेय इज एन इक्वल टू व्यासदेव। सो इमेजिन, इसीलिए उन्हें भगवान कहा गया, भगवान तथा व्यासदेव स्वयं भगवान है, भगवान का अवतार है, मैत्रेय उनकी फ्रेंड है, ही इज ऑल्सो एड्रेस्ड एज भगवान। यस, तो विदुर ने प्रेम से जो प्रश्न पूछे उनसे खुश होकर के मैत्रेय मुनि उत्तर देने लगे। सो प्राहेदम विदुरम प्रीतम, हाउ डिड विदुरा आस्क क्वेश्चंस? ही आस्क्ड देम वेरी लविंगली। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हमें अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए कुछ प्रश्न के उत्तर भी चाहिए तो वो कैसे पूछे जाने चाहिए? कभी भी दे शुड नेवर बी आस्क्ड इन अ चैलेंजिंग स्पिरिट। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, ये कॉन्शियसनेस कभी नहीं होना चाहिए इन आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस मींस वी आर एनीवेज टेकिंग अ सबॉर्डिनेट पोजिशन, तो सबॉर्डिनेट की तरह हमें रहना चाहिए व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस। And the answer to those questions will make sense only if I am subordinate. जो उत्तर मिलेंगे वो भी असर कब करेंगे? जब हम सही में भगवत चेतना से प्रभावित हैं, वरना वो चीजें असर ही नहीं करेंगे। Yes. So, प्राहेदम विदुरम प्रीत, विदुर ने बहुत ही प्रेम से प्रश्न पूछे हैं। मैत्रेय मुनि प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते रण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सि भगवान् कपिलः किला। मैत्रेय सेड व्हेन कर्दमा लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट लॉर्ड कपिला स्टेड ऑन द स्ट्रैंड ऑफ बिन्दुसरोवर टू प्लीज हिज मदर। So this is a shifting of the scene. Scene is shifting. Kardam Muni sannyas le liye jab Kapil bahut chote the. Scene has shifted to Kapil ab bade ho gaye, Bindu Sarovar ke kinare wo reh rahe hain. Shlok kramank 6. Tamasinam karmanam tatva margagra darshanam suvasutam devahut त्याह धातु संस्मरती वचः। व्हेन कपिला हु कुड शो हर द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ वाज सिटिंग लीजरली बिफोर हर, देवाहुति रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा दैट ब्रह्मा हैड स्पोकन एंड शी देयरफॉर बिगन टू क्वेश्चन कपिला एज फॉलोज। तो जब एक बार आराम से कपिल मुनि बैठे हुए थे, बड़े हो गए थे, देवाहुति जानती है कि कपिल स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कैसे ब्रह्मा जी के शब्दों ने याद आए। Yes. और उसके बाद में वो अपने बेटे से पूछ रही है, क्या पूछ रही है? श्लोक क्रमांक 7। देवाहुति रुवाच निर्विण्णा नितराम भूमन असित इंद्रिय तर्षणात्
येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। Devahuti said, I am very sick of the disturbance caused by my material senses. For because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। Yes. वो कहती हैं, असत इंद्रिय तर्षणात्। इंद्रिय कैसे हैं? असत हैं। असत याने टेम्पररी। तो इंद्रियों का जो पुलिंग है और इंद्रियों का जो यौवन है, दोनों ही टेम्पररी है। Yes. When we talk of senses, the pulling of the senses and the youth of senses, both are very temporary. Yes. उससे क्या हो जाता है, जब व्यक्ति जवान है तो उसका मन और इंद्रियां दोनों अच्छे से कार्य करती हैं क्योंकि शरीर भी जवान है, लेकिन जैसे ही वो 40 का होने लगता है उसका शरीर धीरे धीरे स्लो होने लगता है, लेकिन मन तो भोग के संस्कारों से और ज्यादा प्रबल हो गया है। तो भोग करने के कारण मन प्रबल है, शरीर शिथिल है, दैट कॉजेस फ्रिक्शन। इसी को मॉडर्न लाइफ में मिड लाइफ, मॉडर्न इसमें मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? अरे जब शरीर जवान था तो मन भी जवान था, शरीर भी जवान था, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। 40 के बाद शरीर धीरे 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 अपने साइंस दिखाने लगा है, मन तो अभी तो मैं जवान हूं। सो ये जो मिसमैच है, इट इज लाइक पति और पति पत्नी के बीच का मिसमैच। तो पति पत्नी का ये जो रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है, देखिए अगर ये सही है तो बाकी सब ठीक चलेगा, ये एक रिश्ता गलत हो गया ना, ऐसा लगता है जिंदगी क्यों है, भगवान उठा ले, अब वो मुझे या उसे वो डिपेंड करता है। तो ये एक रिश्ता ऐसा है जहां पे इट्स लाइक, अरे तुम ऐसे ही क्यों बैठे, तुम ऐसे ही क्यों दिखे, तुमने यही क्यों पहना, तुम ऐसा ही क्यों बोले, तुम ऐसा क्यों नहीं बोले, तुमने उसकी ओर ऐसे क्यों देखा। अरे जो भाई भाई, भाई बहन, माँ पिताजी, बच्चे, इनके बीच में नहीं होता ना, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स इस एक रिश्ते में आते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये एक रिश्ता अगर सही चला, भगवान ने तार लिया, ये एक रिश्ता गड़बड़ हो गया, या फिर जब से गड़बड़ हो गया तब से जीवन गड़बड़ है। सो जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर सहनशीलता कोई एक रिश्ता सिखाता है तो वो है वैवाहिक संबंधों का रिश्ता। क्योंकि सब कुछ नया होता है, व्यक्ति एक दूसरे के लिए नए होते हैं, उनका घर नया होता है, उनके परिवार के लोग अलग होते हैं, लड़की जिस घर में जिस प्रकार से पली बड़ी है वो वातावरण अलग रहता है, इस घर का वातावरण अलग है, इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। यस। सो यहां पे हम देखते हैं कि जब शरीर यौवन है, शरीर और मन साथ देते हैं, जब शरीर धीरे धीरे एज का साइंस दिखाने लगता है, देन mind is not ready to step back and body is not ready to go ahead. Yes, naturally है वो natural है। हम जब 7th, 8th, 9th में थे, आप सोचिए बड़े बड़े जगहों से ऐसे ही कूद मारते थे, चलो भाग गए। अभी 40 का हो जाने पर मेरे को कहीं भी ऊपर खड़ा करो, मारो खुद, मरेंगे क्या, है नहीं ब्रोजी, थोड़ा स्टेप्स बताओ कहां पे। इट इज नेचुरल, मन बोलेगा मार ले यार, क्या होता है उसमें, अभी तो तू जवान है, लेकिन शरीर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। Yes. So, ये जो इंद्रियां हैं ये असत है। Yes. मन हमेशा भोग की इच्छाओं को प्राबल्य देता रहेगा, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो असत होने के कारण उनका जो डीलिंग है विषय वस्तुओं के प्रति
वो कम ज्यादा होता रहता है। सो उससे जीव क्या हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, निर्विण्णा। निर्विण्ण मीन्स डिस्गस्टेड, या इट्स इनफ। यस, सो निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा। इंद्रियां असद हैं और उनकी तृष्णा भी असत है। इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं, दे कम एज स्पाइक्स। आपने व्यक्ति का ईसीजी देखा होगा, ऐसे चलता है कि नहीं? वैसे ही हम देखेंगे इंद्रिय क्या जो भोग का आसक्ति है, वो भी कभी पीक पे होता है, वो अगर कंट्रोल हो गया फिर से नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा इधर उधर उछलेगा, फिर से एक समय आ गया जब वो पीक पे जाएगा, फिर नीचे आएगा। सो कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस इज कंट्रोल एट दैट टाइम व्हेन इट इज एट पीक। बाकी सब समय में तो कोई टेंशन नहीं है। जब वो पीक पर आता है ना, वो जो छोटा बिंदु है ना, कितने समय तक वो पीक पर रहता है? थोड़ा समय, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, देन इमीडिएटली कम्स डाउन, थोड़ा इधर उधर मिलता है, फिर से एक पीक। सो जीवन भी ऐसे ही चलता है। यस, असत इंद्रिय तृष्णा भी ऐसे ही चलती है। तो सबसे पहले तो समझना महत्वपूर्ण है कि इंद्रिय तृष्णा क्या है, असद है। यस, वो जो प्यास है वो भी टेम्पररी है। अगर इंद्रियों की भूख को हमने पूरा कर भी दिया एक समय के लिए, वो भूख मिटनी भी टेम्पररी है। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अरे मैंने आज बहुत गुलाब जामुन खा लिए, तो एक महीने पर गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, लेकिन डेढ़ महीने के बाद फिर से इच्छा होगी, यार गुलाब जामुन नहीं खाया, और अभी मेरा पेट भर गया, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं, वो शाम को फिर से लगेगा ये सेकेंड डोज। सो एवरीथिंग इज असत। When I sit down और मैं 12 गुलाब जामुन खा लेता हूं, तो मेरा पेट भी भर गया, गुलाब जामुन खाने की इच्छा भी कंप्लीट हो गई, लेकिन वो गुलाब जामुन खाने की इच्छा फिर से आएगी एक महीने के बाद, और शारीरिक भूख तो लगेगी शाम को फिर से। सो बोथ आर असत। तो उससे तर्षण, तर्षण मीन्स तृष्णा, दिस असत। इससे निर्विण्णा, डिस्गस्टेड। दिस फ्लिप फ्लॉप से मेरा जीवन क्या हो गया है, डिस्गस्टेड। यस, इसीलिए देवाहुति अपने बेटे को प्रभो बुला रही है, हे प्रभु। वो जानती है कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है वो केवल साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। yes. So, उन्हें प्रभु करके एड्रेस करती है। श्रील प्रभुपाद जी, एक नेक्टर ऑफ डिवोशन का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं, यस, कि तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम। तो जब सभी उपाधियों से हम अपने आप को खाली कर देते हैं और निर्मल, हमारी चेतना जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्तियों से निर्मल हो जाती है, कैसे होगी वो निर्मल, तत्परत्वेन। तत्परत्वेन मीन्स प्रभुपाद ट्रांसलेट कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। व्हेन आई कंटिन्यूअसली एंगेज माई सेल्फ इन द ग्लोरिफिकेशन, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, फीस्टिंग, फास्टिंग, डांसिंग, प्रीचिंग, ये सब में मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली एंगेज रखता हूं, तो क्या होगा, तब इंद्रियां निर्मल होंगी। ऐसे निर्मल इंद्रियों की अवस्था में, ऐसे निर्मल इंद्रियों से जो सेवा की जाती है उसे भक्ति कहते हैं। श्लोक क्रमांक 8। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मना मन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। Your lordship is my only means of getting out of this darkest region of ignorance, because you are my transcendental I, which by your mercy only I have attained after many births. Hey Bhagavan, कृपया आप अपनी कृपा बरसाइए, आपकी कृपा के कारण ही मैं इस भौतिक
अंधकार रूपी घेरे से, कुएं से बाहर आ सकती हूं। जब तक आप मुझे आध्यात्मिक चेतना की रस्सी नहीं फेंकेंगे, मैं अपने आप को इस भौतिक जगत से बाहर नहीं ला पाऊंगी। यही तो भाव है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम में भी। अइनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवान बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, किसी प्रकार से आज मैं आपको भूल करके आपके चरण कमलों को के प्रति आया हूं शरणागति के लिए। I had forgotten, but somehow I remembered. So, त्वत् पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम, कृपया मुझे अपने चरण कमलों पर लगा हुआ धूलि का एक कण मान लीजिए, मुझे और कोई अपेक्षा नहीं। That is the only desire I have. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, this verse is very instructive since it indicates that the relation between spiritual master and disciple. एक आध्यात्मिक गुरु और शिष्य में किस प्रकार का संबंध होता है? Yes. शिष्य समझता है, जानता है कि गुरु के प्रति शरणागति ये एकमेव ऐसा औजार है, ऐसी एक वस्तु है जिससे हम इस भौतिक संसार के सारे प्रलोभनों को क्रॉस कर सकते हैं। सो गुरु की कृपा, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। So you are my transcendental eye. By your mercy, I have attained many, many births. तो आप ही मेरे कृपया ज्ञान चक्षु, आप ही मेरे दिव्य चक्षुओं के समान हो, तो कृपया आप मेरे ज्ञान चक्षु खोलिए जिससे मैं क्या कर पाऊं, इस भौतिक संसार को सही रूप में समझ पाऊं। Yes. So प्रभुपाद जी कहते हैं कि spiritual master is worshipped as good as Lord by his disciples. तो गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गुरु अपने हृदय में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में भगवान की सेवा कर रहा है। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्याया अलिभीर युक्तिरपेक्षणीय है। अली भी यानी मंजरिया गोपियां, तो या अली भी तिरपेक्षणिया, तो जिस प्रकार से गोपियां मंजरिया ये गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा कर रही हैं, कहां पे? निकुंज यूनो रति, निकुंज गोलोक के छोटे छोटे उपवनों में, यून राधा और कृष्ण, रति उन दोनों के आपसी खिलवाड़, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर पास टाइम्स। केली सिद्धि उनके, राधा कृष्ण का जो मिलन है वो अच्छे से हो, इट शुड बिकम मेमोरेबल, इसके लिए निकुंज यूनो रति केली सिद्धि या अली भीर तिरपेक्षणिया। तो हमारे गुरु महाराज उस राधा कृष्ण के मिलन को सफल बनाने वाली सारी मंजरियों में से, गोपियों में से एक है। Yes. तत्र अति दाक्ष्यात् पतिवल्लभस्य, और राधा कृष्ण का पुनर्मिलन कराने में, उनको आनंद देने में हमारे गुरु अत्यंत दक्ष हैं। He is an expert in giving pleasure to the transcendental couple, राधा एंड कृष्ण। इसीलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तः, सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु कौन है? साक्षात भगवान के समान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तः तथा भाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। Yes. So disciples worship their guru as equivalent to the supreme personality of Godhead, भगवान्स तथा। श्लोक क्रमांक 9, प्रभुपाद जी यहाँ पे
आठवें श्लोक में ये भी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है वह पारग। पार इस भौतिक संसार के पार, ग यानी गमन, तो इस संसार भौतिक संसार के पार गमन करने के लिए जो जीव हमें सहायता करते हैं वो है गुरु। यस, सो पारग, पारग मीन्स वन हु मेक्स हिज डिसाइपल्स वॉक द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्प्स देम क्रॉस ओवर द ब्रिज फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस टू स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, वो है पारग। तो ये पारग किसको बताया गया है? सुध गोस्वामी, क्या पारग है, सॉरी, दिस इज बीइंग स्पोकन बाय देवाहुति, यस, टू कपिल मुनि, कि भगवान आप पारग हैं, मैं आपके चरण कमलों के प्रति पूरी तरह से शरणागत आपके एक शिष्य के समान हूं। श्लोक क्रमांक 9, आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भगवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द ओरिजिन एंड सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। यू हैव अराइजन टू डिसिमिनेट द रेज ऑफ सन इन ऑर्डर टू डिसिपेट द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द यूनिवर्स। आप तो संपूर्ण चर अचर जगत के स्वामी हैं, आप ही इस भौतिक जगत में आए हैं भौतिक जगत के सारे दुखों और कष्टों का निवारण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जस्ट एज द सन डिसिपेट्स द डार्कनेस ऑफ द यूनिवर्स, सो व्हेन द लाइट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कम्स डाउन, इट एट वंस डिसिपेट्स द डार्कनेस ऑफ माया। वी हैव आवर आईज, बट विदाउट द लाइट ऑफ द सन Our eyes are of no value. तो हमारे पास क्या है? आंखें हैं, लेकिन प्रकाश ही नहीं है तो फिर आंखों क्या क्या फायदा है? Yes. So material world, yes, is like those eyes. But unless we have Krishna, who is like that sun ray, we'll actually not be able to factually see things for what they are. इसीलिए हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया र अधिकार। भगवान कैसे हैं? सूर्य के समान है। जैसे ही सूर्य आ जाता है क्षितिज पर, सारा अंधेरा चला जाता है। सूर्य का पूरा रोशनी आने की जरूरत नहीं है, केवल लालिमा आ जाए अंधेरा जूम। तो जैसे ही सूर्य की लालिमा तक आ गई, इस भौतिक संसार का अंधेरा समाप्त हो गया, वैसे ही आपका आवागमन जब एक भक्त के हृदय में होता है, उसके हृदय से भौतिक इच्छाओं की जो का जो अंधकार है वो आपकी कृपा की लालिमा से छटने लगता है। Yes. तो क्योंकि देखिए भौतिक जगत में अस्तित्व को माया क्यों कहते हैं? क्योंकि हर समय वो चेंज होता रहता है। रात्रि 10 घंटे 11 घंटे की है, उसके बाद दिन 10 घंटे 11 घंटे का है। गर्मी बरसात सर्दी हेमंत वसंत शिशिर, ये सारे 6 जो ऋतुएं हैं वो अपने अपने समय से आते रहते हैं। इट इज रिपीटेटिव बट दे कीप कमिंग। सिमिलरली व्हाट इज रिपीटेटिव इन आर एग्जिस्टेंस, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस फैक्टर। यस, तुकाराम महाराज तो ही गोज वन दिस अहेड, ही सेज एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। अर्थात एक बार जीव कुत्ता बन गया तो बनते रहे, ऐसा नहीं कि एक बार कुत्ता बन गया तो अगली बार डायरेक्ट कुछ और ही, नहीं, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। कई बार ऐसा भी हो कि कुत्ता बन गया तो कितने जन्म कुत्ते के ही मिल रहे हैं, कर्मों का लिखा जोखा है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर लॉज
are stringently holding the living entity by their neck with its very firm grip. किसी ने आपका गला ऐसे पकड़ा हुआ है खींच करके, आप हिल ही नहीं सकते, आपका दम थोड़ा सा घुट रहा है, वैसे भौतिक प्रकृति ने हर एक जीव को पकड़ करके रखा है. Yes. वो पकड़ा किसको है? भौतिक शरीर और मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर. तो ये जो दिखता है ये स्थूल शरीर, इसको माया ने पकड़ा है. सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, इसके ऊपर माया का कब्जा है. इसके परे हम हैं, इसके परे जीव है. लेकिन जब तक जीव अपने आप को माया अधीन शरीर और मन के अनुरूप ढालने का प्रयास करेगा तो वो माया के अधीन ही रहेगा. जिस दिन जीव समझ गया कि देयर इज मोर टू एग्जिस्टेंस देन दिस बॉडी, देयर इज मोर टू माय एग्जिस्टेंस दैट सिंपली सीइंग दैट दिस बॉडी इज अलाइव एंड गोइंग फास्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वो होना ही चाहिए, शरीर को ठीक ठाक रखा ही जाना चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है. बट डूइंग इट ओवरटली एंड कोवर्टली बोथ आर रॉन्ग. सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो, दैट बाइंड्स अ लिविंग एंटिटी टू दिस मटीरियल नेचर, इस भौतिक संसार के प्रति सबसे पहला जो हुक है, जैसे मछली नदी में घूमती रहती है, उसको बेट डाला जाता है. तो बेट डालने के बाद वो रुकता है, तो जैसे ही मुंह फंसता है मछली का तुरंत बाहर आ जाती है मछली. वो केवल मुंह फंसने की देर है, बस इमीडिएट बाहर. वैसे ही हम जब भगवान की इच्छा को छोड़ करके, भौतिक प्रकृति वो बेट की तरह है, वो दिखता बहुत सुंदर है, वो हिल भी रहा है, वो एक लार्वा या इंसेक्ट है, लेकिन वो उसका होना वहां पर उस मछली की मृत्यु का कारण बनता है. उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ऐश्वर्य सुख इंद्रिय प्रमाद ये सब हमें दिखते हैं एक अच्छे से वर्म की तरह हिलते हुए, अरे वाह 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 वाह, जैसे मेरे लिए बना हुआ है. जैसे ही खाने जाते हैं बाहर चले जाते. So as soon as the living entity forgets his real constitutional position of eternal servitorship to the Supreme Personality of Godhead and instead wants to enjoy himself by sense gratification, he is captured by Maya. Krishna bahirmukh jeeva bhogavan chakari nikataste maya tare jhapatiya dhari. To Bhagavan se bahirmukh jeeva apne indriya bhog ki kamana se cheeze karta hai. जैसे ही वो भगवान से विमुख होकर अपना पीछे मुड़ता है तुरंत माया सामने दिखती है. Yes. तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी कल मैंने रात को स्वप्न में कृष्ण को देखा. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा, उसके बाजू में माया खड़ी थी? उसने कहा नहीं, माया तो नहीं खड़ी थी. फिर आपने कृष्ण को नहीं देखा? कि जहां कृष्ण है उसके बाजू में ही माया है. कृष्ण बहिर्मुख भोगवांछा करी निकटस्थे माया तारे झपटी अधरी. तो जहां पे कृष्ण है उसके बाजू में ही माया है. एंड इट इज अ मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन, इट्स अ मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन. ऐसा नहीं है कि अरे एक बार मैंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया फिर अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. यस, नहीं, इट्स अ मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस. हर समय ऐसी परिस्थितियां आएंगी, गतिविधियां होंगी, सिचुएशंस क्रिएट होंगे कि जिससे हमें लगे अरे व्हाट इज दिस, आई वाज बेटर ऑफ व्हेन आई वाज नॉर्मली लिविंग. इन कृष्णास सर्विस सीम्स टू बी मोर टेंशन. यस, भक्ति में आने के बाद टेंशन जरा बढ़ गया है. यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक बच्चा स्कूल में जाए, फिफ्थ स्टैंडर्ड पास करे, सिक्स्थ में जाए तो क्वेश्चन पेपर टफ आएगा, उसके बाद और आगे जाए एट्थ में क्वेश्चन पेपर और टफ आएगा, टेंथ में जाए क्वेश्चन पेपर और टफ आएगा. तो स्कूल कभी नहीं बोलता कि आप हर रोज आके यहां पे बैठो ही, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आपको एग्जाम आंसर करना पड़ेगा. स्कूल विल नेवर से व्हाई यू आर कमिंग एंड
सिंपली हमारे बेंचेस गर्म करके क्यों जा रहे हो, स्कूल कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए पासिंग का, आपको मेहनत करके एग्जाम आंसर करना ही पड़ेगा, विदाउट दैट यू कांट बी प्रमोटेड। सिमिलरली इन आर कृष्णा कॉन्शियस जर्नी ऑल्सो, टाइम टू टाइम कृष्णा विल कीप ऑन गिविंग अस एग्जामिनेशंस। इन एग्जामिनेशंस में हम फेयर कैसे करते हैं, हाउ डू आई फेयर? यस, डू वी गेट ए प्लस, डू वी गेट ए, डू वी गेट बी प्लस, डू वी गेट बी, डू वी गेट बी माइनस, ऑल डिपेंड्स ऑन माई सिंसियरिटी। ये सब किस पर निर्भर है? मेरी खुद की ईमानदारी पर, श्रद्धा पर यह निर्भर है। श्लोक क्रमांक 11, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। दिवाहुति कंटिन्यूड, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter. You are the axe which can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisances unto you, who are the greatest of all transcendentalists, and I inquire from you as to the relationship between man and woman and between spirit and matter. तो आप अकेले ही हैं जो शरणागति ले सकते हैं दूसरों की, और आप अकेले ही हैं जो दूसरों को शरणागति दे भी सकते हैं। यू आर द ओनली वन हु कैन एक्सेप्ट जीवा सरेंडर, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन, हु शुड बी सरेंडर्ड टू। दोनों आप अकेले ही हैं। तो जब जीव आपकी सेवा में, आपकी शरणागति में आपके पास आने का प्रयास करता है, कैसे प्रयास करता है? प्रश्न पूछता है। मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, भौतिक प्रकृति कैसे चलती है कृपया मुझे बताइए। आत्मा और शरीर में क्या रिलेशनशिप है? स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद रिलेशनशिप क्या है, ये कृपया मुझे बताइए। आत्मा और शरीर के बीच का डिफरेंस जानना ये अध्यात्म है, और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच का रिलेशनशिप। सो ये दोनों मुझे समझने हैं। व्हाई इज इट दैट देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस व्हेनेवर देयर इज अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट? Why am I not able to access spirit when I get materially dovetailed? ये मुझे आपसे पूछना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सांख्य योग, जिस प्रकार से अभी कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति को बताएंगे सारी चीजें, सांख्य योग, सांख्य योग याने चीजों को विस्तृत रूप से जानना, डिटेल्ड पहचानना। जैसे हम अभी इस बिल्डिंग को या किसी घर को घर के रूप में देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली घर कैसे बना है, वो ईंट, पत्थर, रेती, चूना, सीमेंट, पानी, ये सब मिला करके वो घर बना है। तो मैं जब केवल घर को घर के रूप में देखता हूं और उसके पीछे की जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, निर्माण इकाइयां हैं, उनको मैं नजरअंदाज करता हूं, तो ये केवल माया हो जाती है। लेकिन जब इसके पीछे, हाँ ये देखो, ये कॉलम है, ये पिलर है, ये प्लिंथ है, विंडो है, ये जो मैं दीवार देख रहा हूं उसके पीछे, उसके बीच में ईंटें हैं, उसका ऊपर का प्लास्टर बना हुआ है, व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस डिटेल्स, यस, ये शरीर है। अब ये शरीर सुंदर दिखता है, कुरूप दिखता है, उसको एक 3 mm की स्किन का कवरिंग दिया गया है, लेकिन इस 3 mm की स्किन की कवरिंग के पीछे क्या है? रक्त है, मांस है, हड्डियां हैं, मल है, मूत्र है, हवा है,
कफ वात पित्त है, ये सब है। तो ये सब अगर शरीर की स्किन निकाल करके आपको शरीर सामने दे दिया जाए, बोलो भोग करो, नहीं होगा। यही सब है, ऊपर से 3 mm की स्किन चढ़ाई जाती है, भोग करो, देन अ लिविंग एंटिटी इज यस, चलो भोग करते हैं। सो दिस इज हाउ सांख्य, अर्थात जब हम केवल चीजों को देखते हैं, उनको केवल उसके सापेक्ष रूप में नहीं देखते, वी अंडरस्टैंड इट एज अ मैटर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वी अंडरस्टैंड इट एज अ मैटर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये बिल्डिंग खड़ी है, व्हाट इज द कॉज, अरे सीमेंट है, रेती है, चूना है, प्लास्टर ऑफ पैरिस है, ये सब कुछ बना करके किसी ने तो उसको एक स्ट्रक्चर दिया, तो इफेक्ट इज एक बंगला बने नहीं आ रहा। सो व्हेन आई सी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, देन आई बिकम वेरी इजी, इट बिकम्स इजी टू डिटैच वन सेल्फ, इट बिकम्स वेरी इजी टू डिटैच। सो दिस association of actual knowledge and concomitant detachment, yes, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान यानी अरे ये शरीर जो दिखता है वो है नहीं, वैराग्य यानी हाँ साक्षात्कार हो गया, जो दिखता है वो है नहीं, yes। So ये ज्ञान और वैराग्य जब साथ में मिलके चलते हैं, तब भक्ति अपने आप सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। yes। So, सांख्य अर्थात हम चीजों को केवल सापेक्ष रूप में नहीं, अर्थात उसको उसके परिपेक्ष में देखते हैं कि अरे द कॉज एंड इफेक्ट थियरी इज व्हाट इज वर्किंग। उसी प्रकार से हम बहुत दुखों से गुजर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया लेकिन मैं दुखों से गुजर रहा हूं, सापेक्ष रूप में नहीं रखता, अरे भगवान के पास आने का, मंदिर में जाने का, मत्था टेकने का, डोनेशन देने का क्या फायदा है, जीवन में तो दुखी दुख है, ये सापेक्ष हो गया। परिपेक्ष क्या है, कहीं तो अपने ही जीवन के कर्म फल हैं जो वापस आ रहे हैं, why do bad things happen to good people, so we are not bewildered by temporary transient changes and circumstances that come in our life. We are driven by understanding life as a matter of cause and effect. तो इसलिए यहां पे दो चीजें हैं, प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति यानी जिसका उपभोग किया जाता है, पुरुष यानी जो भोग करता है। प्रकृति यानी जिसका उपभोग होगा, पुरुष यानी जो भोग करेगा। अब यह महत्वपूर्ण है कि यह शरीर पर डिपेंडेंट नहीं है, यह मानसिकता है। अगर कोई पुरुष स्त्री के साथ में है और वो उस स्त्री का भोग कर रहा है, तो पुरुष पुरुष है, स्त्री प्रकृति है। स्त्री अगर चाहती है कि पुरुष के शरीर का भोग करे, तो वो स्त्री पुरुष हो गई और पुरुष जो है वो प्रकृति हो गया। It is not about the body, it is about the mentality of enjoyment. So, this is why understanding things in consciousness is very important. Usko kisi bhi cheez ko sapeksh roop mein nahi, why we do what we do and the resultant reaction of what happens. Anyone who is in the mood of enjoyment is Purusha. And anyone ready to offer enjoyment is Prakriti. तो ये भौतिक जो प्रकृति दिखती है वो जीव के उपभोग के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन वो उसे समझता है कि मेरे उपभोग के लिए है। जब वो उपभोग करने का प्रयास करता है, तब वो कर्म ग्रंथियों की श्रृंखला में अटक जाता है। yes। So, प्रभुपाद जी यहां बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, दिस परपर्ट वी शुड ऑल रीड। मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा सभी भक्तों से जो सुन रहे हैं, 3.25.11 का जो परपर्ट है, श्लोक प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत रूप से देते हैं, 3.25.11 परपर्ट, प्लीज गो थ्रू द परपर्ट और डिस्कस टुमारो। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
यदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।